प्राइस हमें बता दीजिए क्या ब्रांड? कम से कम 10 से 12 लाख के अंदर तो होगी। 10 से 12 लाख में? इस हालत में करेक्ट है भाई। हम ताज होटल में खाएंगे, एक चाय का 700 देंगे तो 5 रुपए का चाय पियेंगे, वो अच्छा ही अच्छा खुद हो जाए। तो गाइस ओवरऑल सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, बस के अंदर क्या जबरदस्त स्लीपर क्लास की है और सीट है, सो कर आप कहीं एंजॉय कर सकते हो। और हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बस के बारे में। तो हमारे पीछे एक बस आपको दिख रहा है, ये बस के बारे में हम बात करेंगे। और ये बस सेल पे है और आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई एक बस दिखाओ, बस भी लेना है। तो लो आज बस को लेकर आ गया हूँ और एक एक डिटेल में आपको इस बस के बारे में बताऊँगा कि ये बस है क्या, कब की है, क्या है। ओके, तो इस बस के जो ऑनर से हम बात करते हैं और डिटेल जो बताएंगे ये है रिंटू दा। तो रिंटू दा स्वागत है आपको हमारे चैनल में। हाँ तो रिंटू दा, ये बस कौन सा मॉडल है, कब का है, क्या ये है? 16-18 का मॉडल है। अच्छा, ठीक है। ये है आपका 2011 का, 11 में होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2016 का मॉडल है, 2000 इसका गाड़ी का मॉडल है 16-18 टाटा का। अच्छा, टाटा 16-18 बस का जो मॉडल है ना। हाँ, चेचिस नंबर की सुपर चेचिस है। हाँ तो ये, और ये बना क्या कब का है? तुमलुंग में बना हुआ है। अच्छा अच्छा, मिदनापुर बना हुआ है। हाँ, तो इसमें बस में क्या खासियत है? इस बस में इसमें स्लीपर है। अच्छा, स्लीपर है, सो के जाएगा 60 आदमी 60 आदमी का है और सो के जाएंगे स्लीपर क्लास से। तो और कुछ डिटेल जानते आइए आस्ते आस्ते। इसका बेलूम है, अच्छा पत्ती नहीं है। अच्छा, सॉकर सिस्टम का गाड़ी है। अच्छा, सॉकर है ना ये वाला, एयर ब्रेक लगेगा। अच्छा, एयर ब्रेक ना। ओके, आप देख सकते हो बस को, स्लीपर क्लास बस है। तो ये है आपका 6 चक्का है और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बस सही वैसा लग रही है, पीछे देखते हैं। और यहाँ पे ये भी होगा ना रखने के लिए? हाँ, होगा यहाँ डेक है ना, यहाँ पे डेक है, पीछे भी डेक है। ओके, पीछे वाला भी देख लेते हैं एक बार, पीछे वाला देख, ये पीछे एक डेक भी है यहाँ पे, यहाँ भी आप रख सकते हो। और ये क्या, अच्छा ये एसी है या नॉन एसी है? नॉन एसी। अच्छा, नॉन एसी है ना ये वाला। ओके, तो गाइस बाहर से लगभग सब चीज़ देखा आपने और एक बार अंदर जा कर चेक करते हैं कि अंदर में क्या है इस बस के, जो है टाटा 16-18 सी का। तो आप चलिए पहले देखते हैं ये बस के अंदर चलते हैं आप फिलहाल। ये बस के अंदर हम आ चुके हैं और वाह क्या बात है, स्लीपर ये लो आगे। ये अभी है, हम हैं बस के अंदर और आप देख रहे हो ना कैसा है बस। तो
दादा अंदर के बारे में कुछ आप बता पाएंगे? अंदर में अंदर का है तो देखिए, यहाँ इधर बाएं वाला जो है सीट, अच्छा, ऊपर में दो आदमी सोएगा, नीचे में दो आदमी सोएगा, दो आदमी ऐसे सोएगा, अच्छा ठीक है, ऐसे हेलन दिख रहा है, अच्छा अच्छा, इसको इसको उतारना होगा, अच्छा उतरने होगा, हाँ और उसको उतारना होगा, ठीक है, एक तो स्लीपर हो गया, स्लीपर हो गया, यहाँ पर दो आदमी, ऊपर में तीन आदमी, तीन आदमी, दाहिने तरफ जो है, अच्छा, एक सिस्टम, ऊपर में तीन आदमी, नीचे में तीन तीन आदमी, अच्छा ठीक है, जब बैठेगा इसको उठा के, इसको उठा के चार आदमी बैठ सकता है, बैठ सकते हैं नीचे में, अच्छा ठीक है, जो चार आदमी बैठेगा वही आदमी, दो आदमी नीचे, दो आदमी ऊपर, दो आदमी ऊपर हो जाएगा ना, अच्छा। तो थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं बस के, ये 60 है ना, 50 60 सीट है ना यहाँ पे, और काफ़ी वेल कंडीशन दिख तो रही है मेरे को, आप देख सकते हो, एक वगैरह। दोस्तों अगर बात कीजिए यहाँ पे सीट की, तो ये जो सीट देख रहे हो ना, लग रहा है मुझे ये तीन आदमी भी सो जाएगा जैसा सीट है यहाँ का स्लीपर, और इस साइड में भी दो जन सो सकता है। सी जो स्लीपर ऊपर का है ना क्लास, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मेरे को, और आप नीचे भी सीट है, और ये जो है खुल भी सकता है जैसा कि कहा उन्होंने, और ये है गेट, ये यहाँ से खुलने वाला है, और ये हाइड्रोलिक गेट है ना, अच्छा ये हाइड्रोलिक गेट है, यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है, चार्जर पॉइंट है ना क्या एक, ये चार्जर या लैपटॉप आप यहाँ पर हर सीट के पास दिया गया है, अंदर में भी दिया गया है, तो ये काफ़ी सही है। और स्लीपर क्लास तो देख के मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो तीन जन सो जाएगा जैसा दिख रहा है मुझे, यहाँ ऊपर भी एक लाइट है, वहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, लाइट जलने लगेगा अगर आपको काम है तो, ये चीज़ आपका अंदर में, ये ऊपर से ये हो जाएगा, यहाँ से भी ये अगर इसको कर दे ढक देते हो तो अंदर कोई देखने वाला नहीं है आपको। ओके, यहाँ से बैठ के आप बाहर का भी नज़ारा ले सकते हो, यहाँ पे ये तो शीशा है फिलहाल, ये हो गया आपका ड्राइवर का केबिन, आप केबिन देख सकते हो, ये टाटा का है, तो पावर स्टीयरिंग है, ये ड्राइवर के फैन है, और सीट आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये है ड्राइवर का केबिन जिस रास्ते से हम आए हैं, ये एक्चुअली बाहर का भी खुला नहीं था तो मैंने अंदर से आया है, और ऊपर में भी ये ड्राइवर के लिए है केबिन, यहाँ पे सारा स्विच दिख रहा है आपको। ओके, और यहाँ बाकी सब आप देख सकते हो। तो गाइस ओवरऑल सब कुछ आप लोगों ने देख लिया बस के अंदर, क्या ज़बरदस्त स्लीपर क्लास की ये सीट है, सो कर आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो। और अब बाकी आ गया प्राइस के बारे में, तो आप लोग भी वेट कर रहे हो कि प्राइस क्या है, तो प्राइस के बारे में अब हम जानेंगे। तो प्राइस क्या होगा? अच्छा ये पहले कितना लंबा चेचिस की जो डाला बॉडी है ना इसका अंदर का, वो क्या होगा? ये 42 फुट लंबा। 42 फुट, अच्छा 42 फुट लंबा, इसीलिए आप देख रहे हो ना कितना आने जाने में क्या टाइम लग रहा है। तो इसका प्राइस आप बता दीजिए फटाफट। 32 लैक्स, अच्छा, और नेगोशिएबल भी आया होगा? हाँ नेगोशिएबल, अच्छा, तो आने से कम बेस भी होगा। और क्या ज़बरदस्त बस है आप देख सकते हो, 2016 का मॉडल है और टाटा का 16-18 है। तो गाइस आप लोग को पहला एक वीडियो मैंने दिखाया एक बस का, और ये है सेकंड बस, ये है दूसरा बस, तो इसका भी हम डिटेल जानेंगे। और एक बस और उधर है, दो बस है यहाँ पे, तो ये बस जो है इसका डिटेल हम बताएँगे। आपका नाम क्या है? टिंकू सिंह, ये हमें बताएँगे, वो एक्चुअली जो बताए थे वो इनके मैनेजर थे तो वो चले गए शायद, ये भी है, ये भी डिटेल बता सकते हैं इनके। तो डिटेल में आप क्या बताएंगे ये गाड़ी कुछ के बारे में? एक्स्ट्रा कुछ तो है नहीं। अच्छा, जैसे पत्ती वाली गाड़ी होती है वो ये सही है। अच्छा, ये गाड़ी 59 सीट स्लीपर है, 60 आदमी ना, अच्छा सो सकते हैं। और क्या इसमें फायदा यही है कि पुश बैक सीट के वो पैर दर्द होने से अच्छा है, अच्छा है कि ये बैठ सकते हैं आराम से, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, हैप्पी जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी। ओके, और ये कितना फुट का होगा? कम से कम 46-45 फुट। अच्छा ओके, और इसमें जो जैसे उस वाला मैंने पहले देखा उसमें एयर ब्रेक कंप्रेसर, एयर कंप्रेशन नहीं है ना? अच्छा, और ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल जानते हैं, देखते हैं क्या है अंदर में।
तो मैं एंट्री लेता हूँ अंदर, और इसका भी कुछ यही सीन है अंदर में। इसमें जो उसमें थोड़ा क्लासिक था, और इसमें भी जो स्लीपर का खास अच्छा ही दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ही है। और यहाँ पे भी जैसे उसमें था ना कि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं तो ये चीज़ ना नीचे आ जाएगा, यानी वो स्लीपर के लिए कोई बुक कर रहा है तो ये स्लीप करने के लिए नीचे अगर हम डालते हैं तो दो सीट बन, मतलब इसको एक साइड में और इसको एक साइड में डालेंगे तो दो सीट हो जाएगा। और प्लस चार्जिंग पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ कोई भी लैपटॉप चार्ज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, बैक करता हूँ कैमरा का थोड़ा, तो आप देख सकते हो क्या चीज़ है यहाँ पे। ये एक बस है यहाँ पे, ये भी स्लीप में देखा हुआ है। पीछे काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आराम से एक चिल पार्टी होने का संभावना है। ओके, ये देखो यार क्या बड़े बड़ा, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं, देखें इसको हटा के, ओह क्या बात है। सीट देख रहे हो ना, ऊपर में स्लीपर रही है। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट सब में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। और अब आपको थोड़ी सी ड्राइवर केबिन दिखाता हूँ। ये जो ड्राइवर केबिन है, ड्राइवर का कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। सारे पीछे जितने स्विच बटन है उसके यहाँ पे ओवर दिया हुआ है, ये भी सही है। अब इसकी प्राइस पे हम डिपेंड, ये भी सही है, अब इसके हम जो प्राइस है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बस क्या हो सकती है, कैसी है। तो पहले बाहर चलते हैं प्राइस के लिए पूछने के लिए। काफ़ी अच्छी, अच्छा लगा देख के। ये देखो मेरा चेहरा। ओके, इस बस के हमने अंदर और बाहर दोनों ही देखा, और अब जानते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल, ये कंफर्टेबल होती होगी ना? नो डाउट कंफर्टेबल है, इसलिए कि इसमें सोने की पूरी जगह है, जो 60 आदमी दूसरी गाड़ी पे बैठ के जाते हैं वो 60 आदमी इसमें सो के जाएंगे। अच्छा, जस्ट लाइक ए ट्रेन बर्थ। ओके, तो इसकी अब प्राइस जान लेते हैं। इसकी प्राइस कम से 15-16 लाख तो होगी। 15-16 लाख में आपको ये बस जो है दिख रही है, और पहले जो मैंने दिखाया था वो था आपका 32 लाख। तो इसके बाद एक और बस है, हम उसके बारे में डिटेल्स को जानते हैं, और ये बस आप लोगों ने देख लिया तो दूसरे बस में जाते हैं। तो ये बस के बाद हमारे पीछे एक और बस है, और वो बस है ये बस है। तो इस बस के बारे में हम थोड़ी डिटेल को जानेंगे, पहले आपको ओवरऑल दिखाता हूँ क्या है बस का सीन। ये भी स्लीपर क्लास है, लेकिन ये थोड़ी सी कहा जाए तो मुझे बाहर से ही लग रहा है कि ये स्लीप में 1-2% के लिए, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसका पहले डिटेल को जानते हैं, कहाँ गए। ओके, तो रिंकू जी हमें ये गाड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। ओके सॉरी टिंकू जी, तो टिंकू जी इस गाड़ी का थोड़ी डिटेल बताइए। एक ही तरह की गाड़ी है, जो आपने देखा पहले वैसा ही गाड़ी है। अच्छा, उसका जो चेचिस था कौन सा कंपनी का था? 16-13, 16-12 ना, वो टाटा का था जो अभी पहले मैंने देखा। और ये कौन सा है? ये भी टाटा का ही है, ये भी टाटा का 16-12 है ना। अच्छा, सेम चेचिस है, तो इसका जो डिटेल है वही चीज़ है ना, जो इसमें और इसका जो सेम थिंग्स। थोड़ा सा अंदर का भी इसका पोर्शन दिखाता हूँ मैं, अंदर में क्या है। और ये है अंदर में, मैं चलता हूँ। ये थोड़ा सही है, सही कहा जाए जिसको वो हम कह सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है करीबन उन्होंने कहा कि 10 से 12 लाख के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ एक बार। और यहाँ पे जो सीट है सेम वही है, इसका सेम चीज़ है, कहा जाए थोड़ी सी सेप जो है यहाँ स्लीपर की सही है, लेकिन इसमें सजावट थोड़ी कम है, लेकिन कंफर्टेबल अगर कहा जाए तो सेम वही मिलने वाली है जैसे आपको वो बस में मिल रही है, ठीक है, स्लीपर में है। और इसमें शायद चार्जर देखना पड़ेगा दिया है कि नहीं, चार्जिंग पॉइंट नहीं। अच्छा हाँ, चार्जिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। मुझे लगा कि इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे भी एक लाइट दिया हुआ है, वहाँ भी ऑन ऑफ करने के लिए लाइट जो स्लीप करेंगे। यहाँ एक स्पीकर मिलता है आपको। सब ओवरऑल सही है गाड़ी, और बस इसमें पावर स्टीयरिंग से मतलब नहीं है आपको,
ना कि सब सही है। यहाँ से सीढ़ी है। ओके, तो रिंकू जी हमें इसके बारे में टिंकू जी सॉरी नाम कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके बारे में प्राइस हमें बता दीजिए क्या ब्रांड। कम से कम 10 से 12 लाख के अंदर तो होगी। 10 से 12 लाख ना, इस हालत में। सब भारत की बात की जाए तो सब सही है, यानी कि सजावट में जाए आप अगर जाना चाहते हो तो सजावट थोड़ी कम मिलेगी जैसा आपने देखा, लेकिन ओवरऑल कम्फर्टेबल की बात आती है तो सेम चीज़ें सही है, आपको थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेगा आपको, है ना। नो डाउट। ओके, अब अच्छी सजावट के लिए, अच्छा खाने के लिए अच्छा पैसा खर्चा पड़ेगा ही। करें भाई हम ताज होटल में खाएंगे, एक चाय का 700 देंगे तो 5 रुपए का चाय पियेंगे, वो अच्छा ही है। वो अच्छा चाय खुद खोज लेंगे, किसमें क्या है उसमें क्या, वो 5 वाला चाय भी पीने में और मजा आता है और 50 वाला में भी पीने वाला वैसा ही आदमी चाहिए। बस उसका फर्क पड़ता है पैसे का है। चलो, तो इसका जो है 10 से 11 में आपको मिलने वाली है, और इसका पहले जो दिखाया था वो 16 लाख 15-16 में, और उसका पहले जो दिखाया था वो 30-32 के करीब में है, ठीक है, वो काफ़ी कंफर्टेबल और ज़्यादा थी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मेरे जो है कौन सी वीडियो आने वाली है उसके अपडेट को जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ या जानकारी देता हूँ कि कौन सी सब्जेक्ट पे वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो आप जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।